सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा बिजनेस में सक्सेस होना है तो रखें आज मेरी इन चार बातों का ध्यान। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब एक सही आइडिया है जिसकी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, किसी भी सेक्टर से की जा सकती है। आपको स्टार्टअप का आइडिया किसी भी सोशल मीडिया वीडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से या सोशल वर्क या कोई और काम करते हुए आ सकता है। आइडिया को इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इससे भी बड़ा टास्क है आइडिया को एक बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप में बदलना, जो कि ग्लोबली सिर्फ 20% बिजनेसमैन कर पाते हैं। क्या कारण है कि एक अच्छे आइडिया के बाद भी 80% एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के शुरुआती एक साल में ही हार मान लेते हैं? ऐसे में ये जानने की खासी जरूरत है कि सफल होने वाले एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ऐसा क्या करते हैं कि उनका ड्रीम पूरा हो जाता है। बिजनेस में सक्सेस होना है तो मेरी इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, ब्रांड मेकिंग के लिए मकसद जरूरी है। जब आप स्टार्टअप की तैयारी करें तो आपके पास खुद की तैयार की हुई प्लानिंग या फिर आइडिया या फिर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस सोच के साथ जो स्टार्टअप की शुरुआत नहीं करते उनमें से 40% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आइडिया और ऑब्जेक्टिव खुद का नहीं है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी ब्रांड की मेकिंग से पहले जरूरी है कि आइडिया खुद का हो, ताकि रिसोर्स, फंड जनरेशन एंड कंपटीशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। दूसरा, आपने क्या करना है कि इनोवेशन सोच समझ कर करें। स्टार्टअप को थोड़ा टाइम दें और प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेकर के थोड़े थोड़े टाइम में कोई चेंजेस या इस तरह का कुछ ना कुछ नहीं करना है आपने। नए प्रोडक्ट को जल्दी लाना स्टार्टअप के लिए सही नहीं होता है। मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट के सफल या फिर विफल होने का अंदाजा कम से कम साल भर में लग जाता है। इसलिए स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी में आप इनोवेशन करें, लेकिन अपने प्राइमरी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के जल्द चेंजेस ना करें। किसी काम में ज्यादा जल्दबाजी भी उसे पतन की ओर ले जा सकता है। तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि कस्टमर की बात को सुनना सबसे जरूरी है। विफल होने के स्टार्टअप में जो बातें कॉमन हैं, वो है कस्टमर की रिव्यू या कमेंट को अनसुना करना। एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि वो एक वीक में कम से कम 10 कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, उनके रिव्यू पर रिएक्ट करें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में कमेंट एंड रिव्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कोशिश करें कि कस्टमर की प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन हो। अगर कस्टमर प्रोडक्ट का सर्विस से खुश है तो उसके रिव्यू या फिर कमेंट का यूज आप मार्केटिंग में कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, चौथा ध्यान आपने रखना है, परफेक्शन के पीछे बेवजह ना दौड़े। कम्युनिकेशन कई बार परफेक्शन को लेकर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इससे वो किसी एक सेगमेंट में या तो ज्यादा चेंजेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। इसका असर स्टार्टअप के दूसरे पर भी पड़ सकता है। प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करना जरूरी है, लेकिन जो बजट प्लान के दौरान फिक्स किया था उसी के अकॉर्डिंग खर्चा करें। वहीं एक्सपर्ट की सजेशन भी टाइम पर लेते रहें। और इसके अलावा सेम सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप की स्टडी करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी टाइप के सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट देते रहो, हमेशा खुश रहो और साहस दिखाओ, खड़े हो जाओ और कुछ करके दिखाओ। थैंक यू।